नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। बाबा राम सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हुए लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। शुक्रवार देर शाम शहर के लोगों ने बाबा राम सिंह नानक सर को श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च गुरदासपुर रोड से शुरू हुआ और गांधी चौक में समाप्त हुआ। लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां पकड़ी हुई थी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके रोष जता रहे थे। कैंडल मार्च में शामिल शायरी कलसी ने कहा कि गुरदासपुर के लिए ये मान वाली बात है और शहादत देना एक बहुत बड़ी बात है। किसानी और किसानों के लिए बाबा जी ने कुर्बानी दी है, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। बाबा राम सिंह गाँव कोटली शाहिया के थे और इससे हमें फख्र महसूस होता है। उन्होंने कहा कि किसान काफी दिनों से दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के कान में जून तक नहीं सरक रही। यह सरासर मोदी सरकार का तानाशाही रवैया है। मोदी सरकार अहंकार में आ चुकी है और ये अहंकार ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला और जल्द ही मोदी सरकार का अहंकार टूटने वाला है। मोदी सरकार ने अब तक जो भी फैसले लिए हैं वो गलत साबित हुए हैं, चाहे GST हो या फिर नोटबंदी हो। अब जो किसान विरोधी कानून बनाए गए हैं वो किसानों के विरुद्ध बनाए गए हैं। किसान इतनी ठंड में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार को ये नजर नहीं आ रहा। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कानून की कॉपियां फाड़ी हैं। इससे ये साबित होता है कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल किसानों के साथ खड़े हैं और एक सच्चे लीडर हैं। दविंदर सिंह ने कहा कि संत बाबा राम सिंह जी ने किसानी आंदोलन के लिए शहादत दी है, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। बाबा जी ने लाखों लोगों को परमात्मा से जोड़ा था। उन्होंने कहा कि बाबा जी ने जब शहादत दी होगी तो उनके अंदर किसानी को लेकर कितनी हमदर्दी होगी और मोदी सरकार के खिलाफ कितना गुस्सा होगा। किसानी की आखिर खिलाड़ियों ने अपने अवार्ड वापस करने की भी बात कही है, लेकिन मोदी सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई है। बाबा जी ने शहादत दी है, उसमें लिखा है कि मेरे पास वापस करने के लिए कुछ नहीं है, मैं अपने आप को परमात्मा को वापस कर रहा हूँ, सिर्फ एक किसानी आंदोलन को मुख्य रखकर। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। बाबा राम सिंह जी क्योंकि गुरदासपुर के वास्ते भी एक बड़े माण वाली गल है भी एक अपनी शहादत देनी जिहड़ी आ बड़ी तगड़ी गल है जी। और किसानी मोर्चे वास्ते किसान भरावां वास्ते जिहड़ी ये साढ़े बाबा जी राम सिंह उन्होंने शहादत दिती आ ते बड़े माण वाली गल है भी। और इहदे नाल साडा जिहड़ा जिला गुरदासपुर आ और सानू ये भी माण है भी साढ़े पिंड कोटले शहीद सी साडा फकर नाल सिर उच्चा हुंदा। किसान सेंटर कोल दिल्ली दे विच बैठ के बड़ी देर तो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार दे सिर ते कोई भी जूं सकदी दिसदी नहीं पई। देखो जी, ये तानाशाही रवैया वा। जदों सियाणे कहिंदे ने ना भी जदों हंकार भजदा है तो परमात्मा की इहो जी लाठी वजदी फिर उठिया नहीं जाता। सो ये हुण मोदी का हंकार भजण वाला वा और उहदा अखीर ही है। मैं तो यो कहूँगा भी उहदे हंकार की अखीर है जिहड़ा इस टाइम इहो जे, क्योंकि जिहड़े भी उहने फैसले ले आ, जे नोटबंदी कीती आ वह भी गलत, जे GST लाई है वह भी गलत, जां ते किहे वी उहदे काम दा जां उहने जिहड़े कानून लागू कीते कोई फायदा होया होवे, पर कोई भी फायदा नहीं होया। जिहड़ा किसान जिहड़ा अज इन्नी ठंड दे विच सड़कां दे विच उहनूं नज़र नहीं आ रहा, मैं इहो गल कहूँगा भी लख लांत है इहो जे ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਾ ਵਾਕਈ ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਅਛਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਾਂਤਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੱਧ ਪੈ ਜਾਣ ਓਨੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਮ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਡਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ
कि मेरे को वापस करने वास्ते कुछ नहीं, मैं अपने आप न परमात्मा वापस कर रहा एक जिमीदार अंदोलन मुख रख के। किन्ना उन्होंने अंदर दर्द होएगा जो इन्होंने फैसला लिया, अंदाजा लाना बहुत औखा है।